नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। जबलपुर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं ने आम निर्वाचन 2022 के लिए आज जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर लियारा जट्टी ने दो चरण में होने वाले पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन पदों पर दावेदारी करने वालों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश और गाइडलाइन के मुताबिक विधि विधान से निर्वाचन 2022 के कार्य का शुभारंभ किया गया है। जबलपुर जिले में पहला चरण 25 जून को सिहोरा, कुंडम, पनागर और जबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र और दूसरा चरण 1 जुलाई को मझोली, पाटन, शाहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए मतदान सम्पन्न कराया जाएगा। पंच सरपंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर एआरओ के समक्ष प्रस्तुत करना शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में आज कलेक्टर कार्यालय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए क्षेत्र क्रमांक 17 से अर्चना दाहिया ने पहला नामांकन पत्र हासिल किया। कलेक्टर कार्यालय सहित सभी जनपद पंचायत कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं हो सकती, इसके चलते कार्यपालिका मजिस्ट्रेट व प्रशासनिक अधिकारी भी सतत संपर्क बनाए हैं। जबलपुर से वजीद खान की रिपोर्ट। नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। कल इलेक्शन कमीशन का है ना चुनाव की घोषणा के बाद हमारी है ना प्रथम फेज और सेकंड फेज दो फेसेस में ना पूरी जबलपुर है ना जिले का है ना इलेक्शन से ना होना है, उसको लेकर सभी है ना जनपद पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों में ना सदस्य के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज से ना शुरू हुआ है। इसके लिए हम लोग इन्हें व्यापक ना तैयारियां की गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और जनपद सदस्य के लिए विकासखंड ना मुख्यालय पर पे, सरपंच के लिए, पंच के लिए विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय है, उनका ज़्यादा दूर आना ना पड़े उसके लिए ना व्यवस्था ना की गई है। आज से रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सभी लोग है ना मतलब ना ड्यूटी पे हैं। हम लोग उसके साथ साथ हम आज है ना कोई भी है ना आएंगे उनके ना मतदाता सूची और मतदान केंद्र का सूची और इनकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ना नियमावली है उसको अवेलेबल कराने के बारे में भी ना हम लोगों ने निर्देश किए हैं। आज से ना नॉमिनेशन शुरू हुआ है, आई थिंक 6 तारीख तक है ना नॉमिनेशन से ना लिया जाएगा। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।